हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक डिलीशियस सा मैंगो केक। ये बहुत यमी केक है फ्रेंड्स, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंगो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बड़े आम लिए हैं, तो इसको मैं कट करके लेकर आती हूँ और इसका हमें एक प्योरे बनाना होगा। तो मैंने मैंगोस को कट कर दिए हैं, अब हम इसको एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफर करेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप चीनी। चीनी की जो क्वांटिटी है वो मैंगोस के मिठास के हिसाब से होगा। अगर आम जो है वो कम मीठे हैं तो आप उस हिसाब से चीनी को एडजस्ट करना। तो इसका हम एक स्मूथ प्योरे बनाएंगे, तो मैं इसे ब्लेंड करके लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने मैंगो को अच्छी तरह से प्योरे कर दिया है, तो अब हम इसे एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल। आप वेजिटेबल ऑयल के बदले में आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। साथ ही में 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, चुटकी भर नमक और इसको हम अच्छी तरह से छानेंगे। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें दूध डालेंगे इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने। इसे कट और फोल्ड मेथड से हम करेंगे। अब मैं इसमें धीरे धीरे करके दूध डाल रही हूँ। ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे ये सब नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, ये बैटर ऐसे होने चाहिए। टोटल मैंने इसमें 1 कप दूध यूज़ किया है। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वाइट विनेगर। विनेगर हम इसके लिए डालते हैं ताकि जो हमारा केक है वो सॉफ्ट बने, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। तो फ्रेंड्स, मैंने केक सेटअप रख दिया है गर्म होने के लिए, तो हमें उसे प्रीहीट करना होगा। तो हम 10 मिनट पहले रख देंगे उसे मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट होने के लिए। तो अब मैं केक टिन को ग्रीस कर रही हूँ। ये मेरा 7 इंच का केक टिन है, इसमें अच्छी तरह से ऑयल अप्लाई करें साइड्स पे भी। बटर पेपर को मैंने राउंड में कट कर दिया है, वो मैं इसमें प्लेस कर रही हूँ और इसके ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे अच्छी तरह से। और हमारा जो केक का बैटर है वो हम इसमें डाल रहे हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से टैप करेंगे ताकि कोई एयर बबल्स है तो वो चले जाए। तो हमारा केक सेटअप गर्म हो चुका है, तो अब मैं केक ट्रे को इसमें रख देती हूँ। फ्रेंड्स, हमें इसे बेक होने के लिए 40-45 मिनट्स रखना होगा लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो अगर आप ओवन में भी कर रहे हैं तो 180 डिग्रीज पे 40-45 मिनट्स के लिए रख दीजिए। एक 35 मिनट्स के बाद आप चेक कर लीजिएगा, अगर केक बेक हो चुका है तो आप निकाल दीजिए, अदरवाइज और 10 मिनट्स के लिए रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, जब तक ये हमारा केक बेक हो रहा है, हम केक के ऊपर डालने के लिए एक मैंगो ग्लेज तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा साइज का मैंगो लिया है, इसको मैंने कट कर दिया है। अब मैं इसको एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफर कर देती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। इसे मैं ब्लेंड करके लेकर आती हूँ। तो मैंने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है। अब हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, तो मैंगो प्योरे को हम ये पैन में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम एक बोल में थोड़ा सा पानी लेंगे, ये करीब 4 टेबलस्पून पानी है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। और इसे भी हमें प्योरे में डालना है। ये हम कॉर्नस्टार्च इसके लिए डालते हैं, ये हमारा जो मैंगो ग्लेज है उसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा ग्लेजी हो। इसमें मैं करीब 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। गैस के फ्लेम को लो पर ही रखें और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नस्टार्च और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। इसे हमें 7-8 मिनट तक पकने देना होगा।
तो फ्रेंड्स मुझे इसे चलाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे पकड़ लेगा। तो देखिए हमारा जो मैंगो ग्लेज है उसका टेक्सचर कितना, देखिए कितना ग्लेजी है ये। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने मैंगो ग्लेज को ट्रांसफर कर दिया बोल में। इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स 45 मिनट्स हो चुके हैं तो हम चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्लीन निकला है तो हमारा केक परफेक्टली बेक हुआ है। मैंने 35 मिनट्स के बाद चेक किया था तो तभी बेक नहीं हुआ था, तो मुझे और 10 मिनट लगे थे, तो टोटल मुझे 45 मिनट्स लगे हैं ये केक बेक होने के लिए। तो अब मैं इसे निकाल देती हूँ और हम इसे एकदम कम्प्लीटली इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद ही डीमोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा केक अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है तो हम एक नाइफ की मदद से इसके साइड्स पे ऐसे रन करेंगे। तो हम धीरे से बटर पेपर को निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा केक कितना स्पंजी है और ये काफी सॉफ्ट है। तो अब हमने जो फ्रिज में रखा था मैंगो ग्लेज वो हम इसके ऊपर से डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करें। अब आप चाहें तो इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंगो पीसेस मैंने कट किया था स्क्वायर शेप में तो वो रख रही हूँ। अब मैं एक दो पुदीना पत्ता रख रही हूँ। अब डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हमारा मैंगो केक बनकर तैयार है तो आप इसे फ्रिज में रख के चिल्ड सर्व करें, ये बहुत डिलीशियस होता है। तो मैं आपको कट करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आप ये डिलीशियस मैंगो केक को ज़रूर बनाकर देखें और मुझे अपना फीडबैक बताएं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।